नमस्ते दोस्तों, अरिजीत गोल्ड में आपका स्वागत। और एक और स्पष्टीकरण, चूना और चूने का पानी। देखिए, आयुर्वेद के जो शास्त्रोक्त ग्रंथ हैं उनके अंदर इनका जिक्र नहीं मिल पा रहा, और अच्छे अच्छे वैद्य सिफारिश करते हैं कि चूना कैल्शियम बढ़ाता है और ताकत देता है, नपुंसकता दूर करता है। इसी तरह चूने का पानी कई तरह के लाभ करता है। तो ये एक दूसरे को देख करके ही कही हुई बातें हैं क्या? मैंने भी कहा है, मैंने भी वीडियो डाला है, तो मैं भी जहाँ मेरे को लिखा हुआ मिलता है तो उसी को ही देख के डालूँगा। तो अब सवाल ये है कि चूने का पानी, लाइम का पानी ये फायदा करता है या नहीं? इसके अलावा चूना का एक गेहूं के बराबर शुद्ध करके नित्य प्रयोग करने से शरीर को लाभ होता है या हानि होती है? तीसरा ये सवाल कि इसकी अवधि क्या है, इसको कितने समय तक लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इसके अंदर बहुत समझते हैं, और वो अगर शास्त्रोक्त ग्रंथ के हिसाब से अगर सबूत देते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। वो अपना वीडियो के अंदर भी स्पष्टीकरण दे दें कि चूना और चूने का पानी आदमी के लिए, इंसान के लिए या बच्चों के लिए कैसा रहता है, वो पूरी जानकारी पेश करें। ये मेरा अनुरोध है। थैंक्स।